हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल शिक्षक भर्ती 2023 नया अर्जेंट नोटिस जारी कर दिया गया है। 10,391 परमानेंट पोस्ट हैं। करेक्शन विंडो और एग्जाम डेट को लेकर जो है इस वीडियो में हम बात करेंगे। मेन वेबसाइट पर जो है सबसे पहले हम चलेंगे। तो लास्ट वीडियो जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया था, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जो विंडो है फॉर्म भरने की, वो ओपन हो चुकी है दोबारा से। 19 अक्टूबर जो है वो लास्ट डेट है। तो यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं भर पाया है तो रात को 12 बजे तक जो है वो बिल्कुल आप भर लें, अगर आप भरना चाहते हैं। दूसरी बात जो है करेक्शन विंडो को लेकर, बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि जो है करेक्शन विंडो कब ओपन होगी, ताकि हम लोगों के जो है जो भी मिस्टेक हुई है उसे हम सुधार सकें। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, जैसे ही फॉर्म की लास्ट डेट निकल जाएगी उसके बाद से जो है करेक्शन विंडो भी ओपन कर दी जाएगी। तो 20 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर 2023 रात के जो है 12 बजे तक आप लोग अपने जो भी गलती है फॉर्म में, जो भी मिस्टेक हुई है वो आप सुधार सकेंगे, ठीक है। और जैसे ही ओपन होती है मैं आप लोगों को सूचना वीडियो के माध्यम से जरूर प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। बाकी अभी तक जिनका फॉर्म नहीं भरा है तो वो बिल्कुल फॉर्म भर ले, आज रात को जो है 12 बजे तक 19 अक्टूबर लास्ट डेट रहने वाली है। और तीसरी बात ये है कि एग्जाम डेट को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट चिंतित हैं कि एग्जाम जो है वो कब होगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि एक जो है वो ईमेल स्कूलों में जो है वो जारी किया गया है कि आप लोग जो है एग्जाम जो है दिसंबर माह में जो है वो कराने की स्थिति में है या नहीं है, यानी आप लोगों का एग्जाम जो है वो दिसंबर में हो सकता है। तो बिल्कुल जो है वो आप लोग अपनी तैयारी जो है वो बिल्कुल रखें, क्योंकि सिलेबस जो है वो बहुत बड़ा है और इसको कवर करने में जो टाइम लगेगा। पहले के जो स्टूडेंट जिनका सिलेबस हो चुका है तो बिल्कुल अच्छे से जो है वो रिवाइज करना स्टार्ट कर दें, और जिनका जो है वो फॉर्म अभी भरा गया है तो अभी से जो है वो स्टार्ट हो जाएं तैयारी करने में। ज़्यादा समय नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस जो है वो कवर करने में भी समय लगता है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को ये जरूरी सूचना जो है वो इस वीडियो के माध्यम से दी है। जैसे ही करेक्शन विंडो ओपन होती है ये सूचना आप लोगों को बिल्कुल मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आती है, जो भी नई अपडेट आती है एजुकेशन से रिलेटेड, वो सभी आप लोगों को चैनल के माध्यम से मिल सके। थैंक यू।